कोई दोस्त यार होगा भैया का, तो पास में जाके देखा तो एक बड़े बड़े बालों वाला अगोरी टाइप का पूरी वेशभूषा दी उसकी वो था, और उसके साथ में दो साथी थे। पूरा वाकया आपको तफसील से बताते हैं, आखिर क्यों यह आरोप लगे और किसने यह आरोप लगाया। दरअसल 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन गोपालपुरा इलाके के रहने वाले 29 साल के अश्विनी को हार्ट अटैक आया। इलाज के लिए अश्विनी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कार में हमने भैया को लिया, उसके बाद में हम डायरेक्ट डीएच गए। डीएच पहुंचे तो उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी के बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। उसके बाद में फिर हम उनको लेकर सहयोग हॉस्पिटल गए। सहयोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही मना कर दिया। उसके बाद भैया को घर लेके आए। शाम को तकरीबन 6 बजे के समथिंग हमने भैया को दाग दिया। 8 मार्च को ही शाम करीब 6 बजे अश्विनी केवट के शव का गोपालपुर स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर घरवाले और रिश्तेदार वापस आ गए। लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई की याद सताई, वो फिर से भाई की चिता के पास गया। लेकिन मुक्तिधाम में भाई की चिता के पास इन तांत्रिकों को देखकर हैरान रह गया। इल्जाम के ये लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे, तो ये लोग अपनी पूजा कर रहे थे। पूजा में इन्होंने फूल रखे हुए थे, इनके पास कुछ कमल गट्ठे थे और हल्दी चंदन वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तेल था और भैया की राख उन्होंने भर ली थी, और एक चाकू था। चाकू तांत्रिक ने छुपा के रखा हुआ था। जब उसकी तलाशी ली गई तब वो चाकू हमें मिला, तो हमने उससे मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। तांत्रिकों से विवाद भी हुआ, इस मामले की फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस वालों ने तांत्रिकों को अरेस्ट किया। उसके बाद में जो भी ये पूजा का सामान था ये हमने रखा। फिर उसके बाद में हमने डायल 100 पे फोन किया, पुलिस आई, पुलिस उनको लेके गई, उनके ऊपर FIR हुई। आखिर मुक्तिधाम में तंत्र मंत्र की ये पहेली क्या है? इससे पहले भी गुना के श्रीराम मुक्तिधाम और बीनागंज स्थित मुक्तिधाम से अब तक 3 महिलाओं की राख और अस्थियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं गए। अब इस मुक्तिधाम में चिता के सामने ये खेल, आखिर इन इल्जामों का सच क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे जिसमें कत्ल की साजिश बेनकाब हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में छोटे भाई की खूनी साजिश का रासफाश हुआ, जिसने बड़े भाई की हत्या की और इस मर्डर को हादसा बताने की कोशिश की। अनुकंपा नियुक्ति के लिए बड़े भाई को सुलाई गई मौत की नींद, देखिए। मर्डर की साजिश लाइव, वो देखो कातिल घूम रहा है, वो मर जाएगा, जॉब मिल जाएगी, नौकरी के लिए रिश्तों का कत्ल। सीसीटीवी में कैद कातिल लाइव। इस सीसीटीवी फुटेज ने कत्ल की गवाही लाइव दी। जिस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और मृतक दोनों के फुटेज कैद हुए थे, लेकिन आरोपी ने इस कत्ल को हादसे की शक्ल देने की पूरी कोशिश की। आखिर कत्ल किसका हुआ, कातिल कौन है? जबलपुर के हनुमान ताल थाना इलाके में अभिषेक भारती की 4 मार्च की रात सड़क किनारे लाश मिली थी। ये सीसीटीवी फुटेज उसी रात का है। अभिषेक की मौत को आरोपी एक्सीडेंट साबित करना चाहता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ किसी ने हमला करके अभिषेक भारती की हत्या की है। रामेश्वर पैलेस धनी की कुटिया के पास एक अज्ञात मृतक की लाश, जिस पर मर कायम कर जांच में ले लिया गया। मर जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम अभिषेक और बच्चा भारती, जो हनुमान ताल क्षेत्र का रहने वाला है। दरअसल वारदात वाली रात अभिषेक भारती घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिया घूमते हुए, और इसी फुटेज में अभिषेक का हत्यारा भी था। कातिल कोई और नहीं बल्कि अभिषेक का छोटा भाई विनोद भारती है। सीसीटीवी फुटेज के आखिरी फ्रेम में कत्ल के बाद विनोद घर में जाते हुए दिखाई दिया। जांच दौरान निकल के आया कि उसका छोटा भाई विनोद और पिंटू, जिसका मकान और नौकरी के नाम पर विवाद था, जिसने लोहे की राड से उसका लोहे का जो पाइप रहता है उससे मारपीट करके उसकी हत्या कर दी।
एक्सीडेंट की कहानी शुरू से शक के दायरे में थी। इधर विनोद का अभिषेक की हत्या के वक्त कई जगह दिखाई देना, जिससे साजिश की बू आ रही थी। सख्ती से पूछताछ में विनोद टूटा और उसने गुनाह कबूल किया। शंका पहले से थी कि एक्सीडेंट जैसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है, पर लोग बात सभी बोल रहे थे कि एक्सीडेंट है। पतारसी का प्रयास किया गया, जिससे खुलासा हुआ कि उसके छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई अभिषेक और बच्चा की लोहे की पाइप से मारकर हत्या कर। विनोद ने अपने बड़े भाई अभिषेक की हत्या इसलिए की क्योंकि अभिषेक की मौत होने से उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती। पिता की मौत के बाद इस नौकरी का दावेदार बड़ा बेटा अभिषेक ही था, लेकिन छोटे भाई विनोद को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए थी। दूसरी वजह थी मकान की बंटवारे का विवाद। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के साथ एक अन्य आरोपी भी है जो अभी विवेचना में। इस सीसीटीवी ने हत्यारे छोटे भाई की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसकी जिंदगी में दोहरी खुशियां दस्तक देने वाली थी। कुछ ही महीने बाद एक और किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन उस गर्भवती महिला को ससुराल में जिंदा जला दिया गया। गर्भवती बहू का मर्डर करने वाला निकला जल्लाद जेठ। आखिर यह हैवानियत क्यों, कहां है वो जल्लाद, देखिए। ये चीख तड़पा देगी। किचन में हैवानियत, बहू को जिंदा जला दिया जल्लाद जेठ का कहर, गर्भवती बहू का मर्डर। इस घर में जो हैवानियत हुई वो वाकई थर्रा देती है, इस महिला की कराह कचोट देती है। महिला को घर में ही जिंदा जला दिया गया। वारदात के वक्त महिला का पति घर पर नहीं था, वो खेत गया था, जैसे ये नहीं पता था कि जब घर लौटेगा तो घर की तस्वीर इतनी भयानक होगी। वारदात के वक्त घर पर पीड़ित महिला और उसकी सास मौजूद थी और घर में मौजूद था जल्लाद जेठ, जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी यानी बहू को यह खौफनाक सजा दी। खाना बनाते वक्त बहू पूजा और जेठ राजा भैया का विवाद हुआ और उसके बाद जेठ की हैवानियत की तस्वीरें आईं। ये दिल दहलाने वाली वारदात विदिशा के दीपना खेड़ा थाना इलाके के गरेठा गांव में हुई। ये ग्राम गरेठा से आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला को उसके जेठ ने जला दिया है। बाद में जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है तो महिला को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल सिरोंज भेजा गया था। वारदात के बाद आरोपी जेठ राजा फरार हो गया। पूजा की हालत गंभीर थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, भोपाल रेफर किया गया, लेकिन पूजा जिंदगी की जंग हार गई। जिस घर में खुशियां दस्तक देने वाली थीं, वहां मातम छा गया। पूजा गर्भवती थी, 4 महीने का गर्भ था। गर्भवती बहू पर जल्लाद जेठ ने ऐसा कहर क्यों ढाया, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। मौके पे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आहत है महिला पूजा बाई, इसकी उम्र 25 साल करीब है और इसका पति वीरन, ये लोग घर में थे, खाना वाना बना रहे थे, तो इसका जेठ राजा भैया नाम का है जो, उसका कुछ विवाद हुआ, इसने अचानक उस महिला पर कुछ ज्वलनशील तेल वगैरह डालकर आग लगा दी, जिससे ये महिला जल गई। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी जेठ राजा की पत्नी कुछ साल पहले बच्चों को लेकर चली गई थी, वो राजा से अलग रहती है। अभी तो भाग गया है, पुलिस तलाश कर रही है, जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। इधर छोटे भाई के घर में दूसरे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पूजा और उसके होने वाले बच्चे की जेठ ने जान ले ली। क्या आरोपी जेठ अपने भाई के खुशहाल परिवार को देखकर चिढ़ता था, पत्नी और बच्चों के छोड़ जाने से तनाव में रहता था? आखिर गर्भवती बहू की हत्या के पीछे वजह क्या है, किस बात को लेकर विवाद हुआ, जांच जारी है। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।